गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं ट्रायंगल्स का मैथ सेकेंड क्लास 6.5 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको एक प्रमेय बताते हैं कि सिद्ध कीजिए कि आप 6.4 में पढ़ चुके होंगे, है एक एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक बल्ब की, तो एक बल्ब बना लेंगे, एक बल्ब की किसी भुजा पर बनाए गए, तो किसी भी भुजा पर, इस भुजा पर बनाइए चाहे दूसरी भुजा पर, किसी भी भुजा पर आप बना सकते हैं। किसी भुजा पर बनाए गए, मान लीजिए ये हो गया बल्ब आपका ए बी सी और डी, तो किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी बल्ब की एक विकर्ण पर, मान लीजिए विकर्ण आपने ले लिया, एक विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल का, ये आपका विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज हो गया, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आपको ये प्रूव करना है कि इसका क्षेत्रफल जो है इसकी पूरे के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो आप लिख रहे हैं कि ए बी और ये हो गया आपका पी, ए आप क्यू, बी बी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है और ए बी बी भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। तो मान लीजिए देखेंगे, माना ए बी सी डी एक वर्ग है, माना ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए सी डी, भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो पहले विकर्ण बीडी बराबर ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण बीडी इज इक्वल टू, तो मान लीजिए ये भुजा ए की हो गई, ए भी ए की होगी क्योंकि बल के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक है तो ये भुजा कितने की होगी, तो इसके लिए हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में विकर्ण बी डी बराबर होता है कर्णी में न? पहली भुजा का बल लंब का बल प्लस आधार का बल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट ले लेंगे ए हो जाएगा, टू का रूट नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा ए रूट टू सेंटीमीटर। ये विकर्ण बीडी की लंबाई आपको मालूम हो गई, तो चूंकि संभाव त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं अतः हम उसको राइट कर सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी बी या ए बी डी ए समरूप होगा त्रिभुज बी बी क्यू के, बी बी क्यू। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं उनके संगत भुजाओं के बल के बराबर होते हैं, अतः ए पी बी, अतः ए पी बी एक समरूप हो जाएगा बी बी क्यू। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं इनके संगत भुजाओं के बल के बराबर होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल पी पी ए बी या ए इसको हम ऐड कर देते हैं पी ए बी, कि पी ए बी बाई एरिया इसका क्या हो जाएगा बी डी क्यू, एरिया ट्रायंगल बी डी क्यू इसकी संगत भुजाओं की बल के बराबर होता है। कि संगत भुजा दोनों की क्या है, दोनों की संगत भुजा है ए बी, इसकी संगत भुजा हो गई ए बी, इसकी संगत भुजा हो गई बी डी, ये बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय बी डी स्क्वायर, संगत भुजाओं की बल के बराबर हो गया। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू दिया है ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
बीडी की वैल्यू देखिए, बीडी कितना है ए रूट टू, तो इसको राइट करेंगे ए रूट टू का स्क्वायर, तो यू विल फाइंड आप प्राप्त करेंगे ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा टू, रूट हट जाएगा तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा वन बाय टू। तो क्या पूछा है कि उसका आधा होता है ए पूछा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ए पी बी के बराबर होगा ना एरिया ट्रायंगल एरिया वन बाय टू एरिया ट्रायंगल बी डी क्यू, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम 6.5 का आप क्वेश्चन नंबर वन बताने जा रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि एक बल्ब की किसी एक भुजा पर, तो कोई भी एक भुजा इधर भी ले सकते हो, इधर भी बना सकते हो, आप इस पर भी बना सकते हो, इधर तो नहीं बना सकते क्योंकि इस पर हमें जो है ये बनाना है एकड़ पर, तो इन दोनों भुजाओं पर आप इसको बना सकते हो। तो आपने एक बना लिया तो कोई संभव तो कोई ए बी बी या पी ए बी कैसे भी राइट कर सकते हैं, है ना, कि इसका वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल आपको प्रूव करना है कि ये विकर्ण पर अगर कोई त्रिभुज बनाते हैं तो इसके क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल जो होगा इसके क्षेत्रफल पर बन का आधा होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए बी सी डी, ए वर्ग है जिसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, तो आपका इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ए बी संभाव त्रिभुज है, ए बी संभाव त्रिभुज है, तो संभाव त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण पी ए बी और त्रिभुज बी डी क्यू ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप रूप करने के लिए अब इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया है ना ट्रायंगल पी ए बी और दूसरा इसका बनाएंगे बी डी क्यू, तो बी डी क्यू बराबर क्या होगा, संगत भुजा इसकी क्या होगी बी डी और इसकी संगत भुजा है ए बी, इसको हमने राइट कर दिया ए बी स्क्वायर प्लस बाय बी डी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर बाय बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दिया, ए बी का मान है ए तो ए का स्क्वायर कर दिए, बी डी का मान है ए रूट टू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा टू रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर वन राइट कर सकते हैं वन बाय टू, अर्थात एरिया ट्राइंगल ए बी बी ये बराबर हो गया वन बाय टू एरिया बी डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नीचे दी गई है, जैसे पहला दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कुछ त्रिभुजों की ऊंचाई नीचे दी गई, निर्धारित करना है इसमें कौन कौन से त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज हैं और कर्ण की लंबाई भी कितनी है। तो अगर संपूर्ण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं तो इसमें दो छोटी भुजाओं का वर्ग व बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ये दिया गया त्रिभुज की भुजाएं है वह संपूर्ण त्रिभुज कहलाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इन दो छोटी भुजाओं का वर्ग करने पर अगर इसके वर्ग के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आप लिखेंगे छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है, अतः यह संपूर्ण त्रिभुज नहीं है। तो आप करेंगे पहले 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा छोटी भुजाओं का वर्ग, छोटी भुजाओं का वर्ग के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी भुजा का वर्ग। तो छोटी भुजाओं का वर्ग हमने किया तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 = 49,
प्लस 24 का स्क्वायर कर दिए है ना, ये हो जाएगा 576। दोनों को ऐड कर दिए 9615 5 कैरी 1 41 57 12 2 कैरी 1 5 1 6 625, ये आपका आ गया सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा को देखेंगे, बड़ी भुजा का, बड़ी भुजा कितना दिया हुआ है 25, तो 25 का वर्ग राइट कर दीजिए, 25 का वर्ग कितना होता है 625, ये भी लाइन है 625। तो आपने इस प्रश्न में देखा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो बराबर है तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक संपूर्ण त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे ना कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ये इक्वल है 25 स्क्वायर, अतः यह एक संपूर्ण त्रिभुज है, अतः यह संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको मालूम है कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अतः कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन से ऐसे दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन को घर पर करेंगे, क्या करेंगे आपको फिर से एक बार और ध्यान से देखेंगे, इसमें दो जो छोटी भुजाएं होंगी, छोटी भुजाएं इधर भी हो सकती है, तो दो छोटी भुजाओं को लेकर के आप उनका वर्ग कर देंगे, जैसे छोटी भुजा 7 दिया है इसमें 24, सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो बड़ी भुजा इधर जाए, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे और छोटी भुजा दूसरी है 24, 24 का स्क्वायर कर दिया आपने, तो 7 से 49, 24 का वर्ग किया 576, दोनों को जोड़े 625 सेंटीमीटर। इसका भी जब हमने वर्ग किया बड़ी भुजा का, ये भी आया 625, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग है ना 24 का स्क्वायर ये इक्वल है 25 के स्क्वायर के, अतः यह संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और अगर दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होगा तो आप यहाँ पर लिख देंगे ना कि 7 स्क्वायर प्लस 24 ऐसे नॉट इक्वल टू कर दिया जाता है, कि नॉट इक्वल टू 25 स्क्वायर ना, कि मतलब वर्ग के बराबर नहीं है, अतः यह संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है ना, तो संपूर्ण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी तो कर्ण भी आपका निश्चित नहीं होगा, अतः कर्ण की लंबाई नहीं लिखेंगे, कर्ण उसी में लिखेंगे जो संपूर्ण त्रिभुज आएगा, दो छोटी भुजाओं का वर्ग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा तभी आप लिखेंगे कि यह एक संपूर्ण त्रिभुज है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका चार क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चारों क्वेश्चन को करके जो है आप रखेंगे, और कल आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया जाएगा। थैंक यू।